हेलो दोस्तों, और कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा कि ऐप हम व्हाट्सएप कैसे डाउनलोड करते हैं और इसमें क्या क्या नए फीचर आए हैं। तो दोस्तों, यह जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है ऐप हम व्हाट्सएप डाउनलोड। सर्च करने के बाद हमारा पेज ओपन हो जाएगा, और इसमें ऊपर फर्स्ट लिंक पे ऐप हम व्हाट्सएप एपीके डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे जाना है, और आप नीचे जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको नाम शो करेगा, डाउनलोडिंग ऐप हम व्हाट्सएप। तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो ऐड आया इसको ऊपर से आप कैंसिल कर दोगे तो हमारा न्यू पेज ओपन हो गया। तो इसमें हम दोस्तों फिर से हम नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद में यहाँ पर डाउनलोड ऐप हम व्हाट्सएप पे ओके करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा वो यहाँ पे ओके कर देंगे, तो यहाँ पर डाउनलोड फाइल स्टार्ट हो गई है, और ये हम देख भी सकते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा ऐप हम व्हाट्सएप डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों मेरे पास पहले से है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। तो दोस्तों चलो हम ऐप व्हाट्सएप पे चलते हैं, वहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसमें न्यू फीचर है। तो दोस्तों हम व्हाट्सएप ऑन करते हैं। व्हाट्सएप ऑन करने के बाद में आपको जो ऊपर तीन लाइन दिख रही है, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको ऐप मोड्स पे जाना है। ऐप मोड्स पे जाओगे तो व्हाट्सएप की सेटिंग शो करेगी, तो हमें यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे ओके करना है। दोस्तों तो प्राइवेट सिक्योरिटी ओके करने के बाद, जैसे ऊपर देख सकते हो लाइट सीन वाला दिखा रखा है, तो आप दोस्तों अगर इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों किसी को ऑनलाइन शो नहीं होगा इसको ऑन करने के बाद में। और आप नीचे ऑप्शन देख सकते हैं हाइड व्यू स्टेटस। तो दोस्तों इसको अगर ऑन कर लोगे तो आप जिसके भी स्टेटस वगैरह देखोगे तो वो हाइड होगा, सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है या नहीं देखा है। तो दोस्तों यह जानने के बाद में हम नीचे जाते हैं, और नीचे यहाँ पे जो नाम शो कर रहा है ना, शो ब्लू टिक आफ्टर रिप्ले, तो दोस्तों इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा वो मैसेज सेंड करते हैं तो वो ब्लू टिक वाला नहीं होगा, तो जिससे सामने वाले मतलब ऐसा लगेगा जैसे हमने उसका मैसेज देखा ही नहीं है। तो दोस्तों और नीचे जाएंगे तो इसमें आपको नया फीचर मिलेगा व्हाट्सएप लॉक। इसमें आप फिंगरप्रिंट, पैटर्न और पिन कैसे भी लॉक लगा सकते हो। तो दोस्तों आप और नीचे जाओगे तो देखोगे चेंज लॉक सेटिंग और पैटर्न में वॉलपेपर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इसको वापस बैक ले लेता हूँ। और इसमें आप दोस्तों थीम भी लगा सकते हो, तो ऊपर डाउनलोड यू थीम देख रहे हो, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम शो होगी, आपको जो अच्छी लगे वो थीम लगा सकते हो। जैसे मैं आपको एक थीम लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये अब मैं थीम लगा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हो कि मेरे व्हाट्सएप की थीम चेंज हो गई है, और नाम वगैरह सब अलग शो करने लग गए हैं। देखो दोस्तों मतलब कितनी अच्छी लग रही है ये, आप भी ऐसे कोई भी थीम लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं इसमें नया दोस्तों अब आपको बताऊंगा कि इसमें यूनिवर्सल में आपको कलर्स वगैरह फॉन्ट के या स्टाइल्स वगैरह कैसे भी चेंज कर सकते हो लोग के, और इसमें जो भी गैलरी में वीडियो वगैरह होंगे वो हम हाइड भी कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको इसमें नया अपडेट आए तो वो कैसे डाउनलोड करते हैं इसके लिए आपको बताता हूँ। नीचे अपडेट्स पे ओके करना है, अपडेट पे ओके करने के बाद चेक फॉर अपडेट पे ओके करना है, और यहाँ पे दोस्तों मेरा अपडेट मांग रहा है तो मैं डाउनलोड पे ओके करूँगा। डाउनलोड पे ओके करने के बाद में हमारा पेज हमें गूगल क्रोम पे लेके जाएगा, तो वहाँ गूगल क्रोम पे ओपन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर जो लिंक शो हो रही है डाउनलोड ऐप हम व्हाट्सएप 8.95 लेटेस्ट वर्जन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने बाद में दोस्तों देख सकते हो हमारा पेज ओपन हो गया है, तो आपको सिंपल सा नीचे चले जाना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक नाम शो करेगा ऊपर ऊपर डाउनलोड ऐप हम व्हाट्सएप 8.95, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा पेज लोडिंग लेगा, और यहाँ पे दोस्तों
डाउनलोड पे ओके करना है। डाउनलोड पे ओके करोगे तो हमारा ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे ही आप अपना आईफोन व्हाट्सएप अपडेट कर सकते हो। दोस्तों यह अपडेट होने के बाद में दोस्तों मैं सिर्फ आपको आईफोन व्हाट्सएप पे यहाँ से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ से ओपन कर लेना है, डायरेक्ट अपने आप ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से ओपन कर लेना। तो दोस्तों मेरा आईफोन व्हाट्सएप अब इंस्टॉल हो गया, अब इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि हम आईफोन व्हाट्सएप पे आ चुके हैं और हमारा लेटेस्ट वर्जन हो गया है डाउनलोड। तो दोस्तों अब इसमें और भी मतलब सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ है। दोस्तों आप यहाँ पे जाके नीचे लॉक आप वॉइस वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जिसमें देख सकते हो दोस्तों मतलब काफ़ी सारी मतलब बेबी की ट्रिंग फैट डीप जंग कोई भी जो वॉइस लगाना चाहते हो वो वॉइस लगा सकते हो, जिसमें आप बोलोगे वही जाएगा। दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पे मतलब किसी को लॉक कन्वर्ट, जैसे आप किसी से बात करते हैं पर्सनली और तो उसको लॉक लगाना चाहते हो तो लॉक भी लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं इसको लॉक लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसकी लॉक मतलब चैट का लॉक लगा दिया है। तो दोस्तों अब इसकी चैट ओपन करेंगे तो ये पास पैटर्न मांगेगा, तो ये हम पैटर्न को लगाएंगे तभी ओपन होगा। अगर हम इसको हटाना चाहें तो दोस्तों हम ऊपर जो तीन डॉट दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है, और नीचे अनलॉक कन्वर्ट सेंसन पर ओके करना है। यहाँ पे हम जो बटन लगाते हुए लगा देंगे, जिससे हमारा वो रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऐप व्हाट्सएप काफ़ी अच्छा व्हाट्सएप है और आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों ऑटो रिप्ले है, जो भी आप मतलब मैसेज वगैरह यहाँ पे लिखोगे या टाइम सेट वगैरह कर दोगे तो आपके पास जो मैसेज आएगा उसका रिप्लाई आपको नहीं करना पड़ेगा, तुरंत अपने आप हो जाएगा। और यहाँ पे आपको स्टार्ट टाइम एंड टाइम टाइप करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आपको, और यहाँ पे दोस्तों मतलब वीडियो में देख सकते हैं कस्टम प्राइवेसी है, जहाँ पे हाई ब्लूटूथ सेकेंडरी माइक्रोफोन जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं इसको सभी को वापस हटा दूँगा और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूँगा। दोस्तों ऐसे आप भी अपन व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।